टूडीज में कोई शक नहीं, कभी ना कभी आप लोगों के दिमाग में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि इन दोनों में से गोकू की सबसे ताकतवर नॉन कैनन फॉर्म कौन सी है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि मैं सिर्फ इन दोनों को ही क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, तो आंसर है ये दोनों ही फॉर्म्स का कोई मुकाबला नहीं है। इन दोनों के पास बहुत ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी कैरेक्टर इनको बीट नहीं कर सकता है। इनको हम किसी के साथ भी कंपेयर करेंगे तो विनर लास्ट में ये दोनों ही निकलने वाले हैं। लेकिन क्या हो जब हम इन दोनों ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन को आपस में लड़ाएं, कौन बैटल को विन करेगा? इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे हैं सुपर पब्लिक, आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे लकीली पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लो, और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे हम इस वीडियो में इन दोनों की सारी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को लेने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें हम बेस फॉर्म ऑफ सुपर सैयन इन्फिनिटी की, तो इसको सुपर सैयन में गोकू की फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है। गोकू के अंदर का सारा गुस्सा, उसका सारा रेज जब बाहर निकल गया तो उसने इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करा। सिर्फ गोकू ही है जिसने इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करा है। उसने इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑलमोस्ट खुद को मार दिया था, लेकिन जब वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में गया तो वो एक नाई ओमनिपोटेंट बीइंग बन गया। उसने फर्स्ट हेल में सुपर सैयन 20,000 के साथ हजारों सालों तक बैटल करी है। उसके पास इन्फिनाइट स्ट्रेंथ, इन्फिनाइट स्पीड, इन्फिनाइट ड्यूरेबिलिटी एंड इन्फिनाइट पावर्स बताई गई है। ये फर्स्ट हेल में एग्जिस्ट करता है जिस वजह से ये पूरी तरह इमोर्टल है, और बस ऐसा समझ लो कि ये सुपर सैयन इन्फिनिटी में गोकू की बेस ट्रांसफॉर्मेशन है। बात करें अल्ट्रा इंस्टेंट सुपर सैयन इन्फिनिटी की, तो उसके ओरिजिन थोड़ा सा अलग बताया गया है। तो इस स्टोरी में जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो इवल है। उन्होंने पिकोलो, फ्रीजा, ट्रंक, वेजिटा, ब्रोली, ग्रैनोला एंड बाकी सभी कैरेक्टर्स को मार के रख दिया है अपने कुछ क्रिस्टलाइक अटैक से, और उनकी डेड बॉडीज को देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्से में चला जाता है। उसका रेज उसके अंदर से बाहर निकलने लगता है, वो अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ता जाता है। और फिर एक समय आता है जब पूरी पृथ्वी उसकी ताकत से कांप उठती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन इन्फिनिटी अल्ट्रा इंस्टेंट में। इसमें जाने के बाद उसके माथे में एक इन्फिनिटी का लोगो बन जाता है, उसके हेयर सिल्वर हो जाते हैं एंड उसकी पावर्स इन्फिनिट लेवल पर पहुंच जाती है। वो सिर्फ एक थॉट से एंटायर क्रिएशन को, पूरी रियलिटी को चेंज करके, उसको डिस्ट्रॉय करके रिक्रिएट करने की पावर रखता है। उसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन, टाइम स्पेस मैनिपुलेशन, कॉजलिटी मैनिपुलेशन, स्पेटियल मैनिपुलेशन, इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन, वो स्टोरीज को बदलने की ताकत रखता है। एंड उसके बारे में क्लियरली बताया गया है कि वो एक ओमनीपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट एंड ट्रू इमोर्टल बीइंग बताया है इसको। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन इन्फिनिटी रेनबो की। तो बेसिकली इसका ओरिजिन भी इन दोनों से अलग है, बट है ये सारे सेम ही। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जब गोकू और वेजिटा ब्लैक गोकू के साथ लड़ रहे होते हैं तो गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट में अपनी सारी ही ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ यूज करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब रहता है एंड सभी ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ यूज करके बन जाता है सुपर सैयन रेनबो अल्ट्रा इंस्टेंट। लेकिन उसके पास स्पेशल चीज अभी ये आ जाती है कि वो सुपर सैयन रेनबो में रहते हुए भी अपनी और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकता है, लाइक सुपर सैयन रेनबो 1, 2, 3, ऐसे करते करते वो चला जाता है सुपर सैयन 10,000 रेनबो एंड तब उसकी पावर एंड एबिलिटीज इनफिनाइट हो जाती है। उसकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन की पावर एक साथ है ना उसके पास, तो उसको एक ट्रू ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट एंड इमॉर्टल बीइंग बताया गया है। उसके सिर्फ नॉर्मल अटैक नहीं, 10 यूनिवर्सेस को एग्जिस्टेंस इरेज कर दिया था। उसके पास फाइनल कामेहामेहा नाम का एक पावरफुल अटैक बताया गया है, जिससे वो एंटायर क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करके सिर्फ एक ही थॉट से रिक्रिएट कर सकता है। तो अभी बात करते हैं इसके ओपोनेंट ड्रिप गोकू की। तो बेसिकली जब गोकू एमरल्ड फ्रीजा के साथ फाइट कर रहा होता है अपने अल्ट्रा इंस्टेंट में, तो उस फाइट में फ्रीजा के पास अपर हैंड रहता है। वो गोकू के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेजेस मार रहा होता है, बट गोकू को उस पॉइंट में एक ड्रिप मिलती है, वो उसको पहनता है एंड देन उसकी पावर्स एक ओमनीपोटेंट बीइंग जितनी हो जाती है। उसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, पावर्स आ जाती है एंड फिर सुपर सैयन ड्रिप गोकू बहुत बुरी तरह से फ्रीजा को मारता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक फ्रीजा अपने question mark परसेंटेज पावर का यूज नहीं कर रहा होता है। इसमें जाने के बाद ड्रिप गोकू फिर से बहुत ज्यादा पिट रहा होता है, लेकिन फिर गोकू चला जाता है अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में। उसने केवल अपनी 50% पावर से ही फ्रीजा का अस्तित्व मिटा दिया था। वो की मैनिपुलेट कर सकता है, गॉड लाइक पावर्स रखता है, एग्जिस्टेंस इरेज, टाइम इरेज, टाइम मैनिपुलेशन, हैंड टू हैंड में मास्टर है, कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन, डायमेंशन ट्रैवल, डायमेंशन मैनिपुलेशन। ड्रिप गॉड गोकू ने फैथरीन, अगस्ता, सरोरा, द क्रिएटर, द वन अबव ऑल, हाजुन, इन सभी बीइंग्स को सिर्फ देखने भर से मार दिया था। लाइक डूड सीरियसली, ओमनीपोटेंट बीइंग्स को सिर्फ देखने से मार दिया, तो समझ लो उसकी पावर्स कितनी ज्यादा है। उसके पास उसकी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस है, लाइक सुपर ड्रिप इन ब्लू, अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट एंड मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट इस फॉर्म का उसने कभी भी यूज नहीं किया है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन को बियॉन्ड ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट बताया है। वैसे तो ये अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में ही एक ओमनीपोटेंट बीइंग बन जाता है, बट मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट को और ताकतवर दिखाने के लिए इसके आगे लाइक
बियॉन्ड लगा दिया गया है जिससे क्लियरली रिप्रेजेंट किया जा सके कि ये ओमनीपोटेंट से परे है। सो अभी पावर एंड एबिलिटीज तो हो गई, अब इन दोनों के बीच में बैटल होगी तो वो किस तरह की रहेगी, लेट्स सी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों अपनी बेस फॉर्म में लड़ेंगे और बेस फॉर्म हम यहाँ पर अल्ट्रा ड्रिपिन को नहीं रखेंगे बल्कि ब्लू वाले फॉर्म को रखेंगे क्योंकि उसमें वो ताकतवर रहता है। तो सुपर सैयन बेस फॉर्म वर्सेस अल्ट्रा ड्रिपिन ब्लू के बीच में सुपर सैयन बेस फॉर्म के पास ज्यादा प्लस पॉइंट है क्योंकि उसमें उसको एक नाई ओमनीपोटेंट बीइंग बताया है, लेकिन अल्ट्रा ड्रिपिन ब्लू को सिर्फ गॉड लाइक पावर्स बताई गई है, उसके बारे में ऐसा नहीं बताया वो नाई ओमनीपोटेंट है या फिर ओमनीपोटेंट है। सो यस, इसमें सुपर सैयन बेस ताकतवर है, लेकिन जैसे ही ड्रिप गोकू अपने अल्ट्रा ड्रिपिन स्टैंड में ट्रांसफॉर्म होगा ना, वो एक ओमनीपोटेंट बीइंग बन जाएगा एंड फिर सुपर सैयन इन्फिनिटी बेस फॉर्म को भी अपने अल्ट्रा इंस्टेंट सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म में जाना पड़ेगा एंड फिर ये दोनों ही बन जाएंगे ओमनीपोटेंट एंड ओमनीपोटेंट। इस ट्रांसफॉर्मेशन में इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट टाई ही रहेगा, बट जैसे ये दोनों अपनी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन लाइक मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट एंड सुपर सैयन इन्फिनिटी रेनबो में जाएंगे देन बैटल अगेन काफी टफ हो जाएगी क्योंकि यार यहाँ पर ना लाइक जो अपना सुपर सैयन रेनबो है उसके पास अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन का इन्फिनाइट वर्जन है और मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट को तो बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बताया है। वैसे सच बताऊं बियॉन्ड ओमनीपोटेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है क्योंकि बियॉन्ड ओमनीपोटेंट ओमनीपोटेंट एक ही चीज हुई, ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिशाली, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है। बस फैंस ने बियॉन्ड ओमनीपोटेंट इसीलिए लगाया है क्योंकि फैंस सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि वो मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट को ओमनीपोटेंट से भी ऊपर बताएं। वैसे ये बियॉन्ड वगैरह ओमनीपोटेंट ऐसी कोई चीज एक्चुअल में नहीं होती है, बट यस जब फैंस ने बताया है तो सुपर सैयन इन्फिनिटी रेनबो को सिर्फ ओमनीपोटेंट बताया है एंड मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट को बियॉन्ड में बताया है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट पावरफुल है और हाँ मेरे ओपिनियन से भी मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट पावरफुल है क्योंकि मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट तो अलग बात है लेकिन अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में उसने सारे सुप्रीम बींग्स को सिर्फ देखने भर से मार दिया, तो यस मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट के पास प्लस पॉइंट्स है। वेल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दें और आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।